नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। अगर हम बात करें नवरात्रि 9 दिवसीय ऑफर जो था 90% ऑनलाइन छूट, इसके अलावा अगर आप ग्रेड सेकेंड शिक्षक पीटीआई लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98-750-75-725। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन बजट किस वर्ष पेश किया जाएगा, यानी कि कब पेश किया जाएगा? राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रीन बजट जो है वो 2025-26 में आएगा। 2025-26 यानी कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2025 के अंदर जो है वो आपका राजस्थान का ग्रीन बजट जो है वो पेश होने वाला। ग्रीन बजट के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने का मकसद है। अगर पूछे कि राजस्थान का प्रथम जनरल बजट कब पेश किया गया था, 2012-13 के अंदर, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। ये क्वेश्चन आपके रीट के अंदर आया था। राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट अगर पूछे कब पेश किया गया था तो 2021-22 में, 24 फरवरी 2021 को। और राजस्थान का प्रथम कृषि बजट कब पेश किया गया था, सीटी के अंदर आया था, बजट 2022-23 यानी 23 फरवरी 2022 को। स्टडी जीके के रूप में क्वेश्चन याद रखना। इसके अलावा अगर पूछे कि राजस्थान का पहला बजट किसने पेश किया था, नाथूराम मिर्धा ने पेश किया था। राजस्थान का एकमात्र बजट जो राजस्थान की विधानसभा में ना पेश होकर लोकसभा में पेश हुआ था, वर्ष 1993 का। और राजस्थान की प्रथम महिला अगर पूछे जिसने बजट पेश किया तो वो कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो उस समय किस पद पर थी? मुख्यमंत्री पद पर थी। राजस्थान का बजट 2024-25 अगर पूछे किसने पेश किया तो वित्त मंत्री दिया कुमारी। और दिया कुमारी वर्तमान में किस पद पर है? उप मुख्यमंत्री पद पर है। तो वो तो है मुख्यमंत्री और ये है उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 अक्टूबर 2024 को राइजिंग राजस्थान पैटर्न प्री समिट का आयोजन कहां किया गया? 9 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के जयपुर में राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें पर्यटन क्षेत्र में 142 निवेश प्रस्तावों के एमओयू से समझौतों से प्रदेश में लगभग 14,000 करोड़ का निवेश होगा। इसके अलावा अगर पूछिए कि राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन में, वेडिंग टूरिज्म में देश में कौन से नंबर पर है तो पहले नंबर पर है, शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा माही नदी के द्वीपों में द्वीप पर्यटन पूछा जाएगा, द्वीप पर्यटन कहां तो माही नदी। जैसलमेर के खुडी में पर्यटकों को डेजर्ट सफारी की असीम संभावनाएं जो है वो इसके अंदर बताई गई थी। इसके अलावा मार्च 2025 में जयपुर में आईफा 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो आईफा 2025 का आयोजन अगर पूछे कब किया जाएगा तो मार्च 2025 में, कहां किया जाएगा तो जयपुर में किया जाएगा। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए पर्यटन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो रिप्स के अंदर पर्यटन के लिए निवेश की जो सीमा थी पहले कितनी थी? 50 करोड़, वर्तमान में घटाकर कितनी कर दी है? 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवराला या देवराला एक ही बात है। देवराला या दिवराला सती कांड किस वर्ष हुआ था, जिसके सती महिमा मंडल केस में 9 अक्टूबर 2024 को 8 आरोपी बरी हो गए। हमारे राजस्थान का अंतिम सती कांड जो है वो ये देवराला सती कांड हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह हुआ कब था तो यह हुआ था 1987 में। तो जयपुर निवासी रूप कंवर का विवाह देवराला या देवराला शिखर के मालसिंह शेखावत के साथ हुआ था। विवाह के करीबन 7 माह बाद ही मानसिंह की बीमारी से मौत हो गई थी। और 4 सितंबर 1987 को 18 साल की रूपकंवर की मानसिंह की चिता के साथ जल गई थी। 18 साल की थी रूपकंवर, और रूपकंवर जो है वो मानसिंह की चिता के साथ जो है वो जल गई थी या जलने की बात आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, जिनको जो है वो त्याग पत्र देना पड़ा था, और गृह मंत्री गुलाब सिंह सत्तावत। 22 सितंबर 1988 को समाज के लोगों ने देवराला से जीतगढ़ तक जुलूस निकाला था, और उसी दौरान जो है वो गिरफ्तारी की गई थी। और आपके स्टैटिक जीके का, और अगर हम देखें
तो कल्चर हिस्ट्री का एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है जो स्टडी जीके ग्रुप में आ सकता है कि राजस्थान में आजादी के बाद सती के कितने मामले हुए हैं, तो 29 मामले हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, फिर हम ढूंढते हैं कि ये कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग है। स्टैटिक जीके अकॉर्डिंग ये याद रखना, और आजादी के बाद कितने मामले हुए हैं, 29 मामले। नेक्स्ट, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय की चेयरपर्सन कौन है? इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय की जो चेयरपर्सन नियुक्त की गई है, वो की गई है डॉक्टर जयश्री पेड़ीवाल। जयश्री पेड़ीवाल जो है, इसको क्या किया गया है, चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा राज्य सरकार अगले 5 सालों में 5 लाख से अधिक नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। मैंने 2 दिन पहले क्लासों में कहा था, तैयार हो जाओ, अधीनस्थ बोर्ड और RPSC जो कैलेंडर जारी करने वाली है, जिसके तहत रीट की अगर हम बात करें तो रीट तो जनवरी के 2 सप्ताह में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आज है अपने 11 तारीख, 11 में 20 दिन ये है, 20 दिन ये है, और नवंबर और दिसंबर 60 दिन, वो मान लो 20 और 60 80, और 20 आगे मान लो, लगभग 100 दिन आपके पास है। 100 दिन आपके पास है, और 100 दिन के बाद आपका पेपर होने वाला है। बेहतरीन तैयारी करनी है। लास्ट में आपको रिट के लिए बुक और एक टेस्ट सीरीज बताने वाला हूं, जिसमें आपको 1,11,000 रुपए तक का इनाम जो है वो दिया जाएगा। कैसे मिलेगा, चर्चा करेंगे लास्ट में। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक, और व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगा लिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, देखने वालों की संख्या ज्यादा होती है और लाइक कम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी 19 वर्ष छात्र हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता? 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछे कहां हुआ, तो उदयपुर में हुआ। उपविजेता अगर पूछे कौन हुआ, तो उदयपुर हुआ। लेकिन विजेता अगर पूछे कौन रहा, तो विजेता रहा था अलवर। कौन रहा था? अलवर विजेता रहा था, या अलवर विजेता होने की बात आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नाम आता है बांग्लादेश के ढाका शहर में 1 से 4 अक्टूबर 2024 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में छवि चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा खेल है वुशु? खिलाड़ी का नाम क्या है? छवि चौधरी। और इन्होंने अगर पूछे कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। आयोजन कहां हुआ था? बांग्लादेश। छवि चौधरी का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो जालौर जिले की रहने वाली है। जालौर जिले की रहने वाली है छवि चौधरी, और इन्होंने इससे पहले रांची झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत भी स्वर्ण पदक जीता था, और 26 सितंबर 2024 को जो जैसलमेर में आयोजित हुआ था राज्य स्तरीय टूर्नामेंट, उसमें भी इसने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। राजस्थान सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? लगभग रोजाना आपको एक योजना नवीनतम मिलती है। आगामी अगर हम देखिए, जिसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं, वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जारी की है, तो राजस्थान सरकार ये कहती है कि राजस्थान के अंदर एक योजना, जिस योजना का नाम आता है यंग इंटर्नशिप योजना, और ये जो योजना है, यह योजना राजस्थान के अंदर शुरू की गई है, राजस्थान के अंदर राजस्थान की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान सरकार ने 12वीं पास युवाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की है। सूचना जनसंपर्क विभाग ने 21 पदों पर भर्ती भी निकाली है। इसमें युवाओं को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। आगामी हो सकता है कि पेपर हो, लेकिन वर्तमान तक नहीं है। इसमें सैलरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 30,000 रुपए प्रति माह रहने वाली है। आगामी एक बार यह शुरू हो जाए, फिर उसके बाद में हो सकता है कि इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा जिले की गाटोल तहसील के जगतपुरा भूकिया में गोल्ड खनन का सर्वे किस कंपनी के द्वारा किया गया? वर्तमान में काफी चर्चा में रही है कंपनी, और इस कंपनी के अगर हम बात करें तो यह कंपनी आती है आपकी मेटल माइनिंग कंपनी।
मेटल माइनिंग कंपनी अगर पूछे कि है कहां की, किस देश की है, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की मेटल माइनिंग कंपनी, और इस कंपनी के द्वारा जो है वो बांसवाड़ा के अंदर गोल्ड खनन का कार्य सर्वे जो है वो किया गया। कंपनी ने बांसवाड़ा के भूकिया जगतपुरा में खोज कार्य के साथ यहां माइनिंग लेने को लेकर दावेदारी की थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कंपनी को खान आवंटित नहीं करने पर मेटल माइनिंग वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में चली गई थी। अब 2012 से मामला चल रहा है, मामले के कारण ही तो ये दोबारा चर्चा में आई है। पिछले साल 2023 में हाईकोर्ट ने फैसला राज्य सरकार के पक्ष में दिया था, यानी राजस्थान सरकार के पक्ष में दिया था, इसी कारण राजस्थान सरकार ने इस खान की नीलामी कर दी थी। अब दोबारा ये फिर क्या हो चुका है, विवादों में आ चुका है, और इसी विवादों के कारण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा जिले के अंदर जगतपुरा भूकिया में गोल्ड खनन यानी सोने की खान का खनन का जो है वो कार्य किस कंपनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में कब किया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंदर 16 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, मारवाड़ जोधपुर मेवाड़ उदयपुर। आयोजन अगर पूछे कब होता है तो सितंबर व अक्टूबर माह में किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वो कुछ महोत्सव आते हैं, इन महोत्सव के तहत या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप बाद में लिख लेना, ठीक है। यानी कि ये महोत्सव पूछा जाएगा कि कौन सा महोत्सव कहां मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें और भी महोत्सव है जो राजस्थान के अंदर जो है वो मनाए जाते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राज्य में मथुरा दास माथुर पोलो कप पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मथुरा दास माथुर पोलो कप पोस्टर का विमोचन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया, तो हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। और अगर पूछे कि राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष है कौन है, तो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी के द्वारा इस पोस्टर का विमोचन किया गया था दो दिन पूर्व। यह पोलो मैच 26 अक्टूबर 2024 को राजधानी के राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित होगा, यानी कि राजस्थान पोलो क्लब के अंदर इसका आयोजन होगा 26 अक्टूबर 2024 को। प्रदेश के पहले वित्त मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टेटिक जीके का कि प्रदेश के पहले वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री थे मथुरा दास माथुर, और इन्हीं के नाम पे जो है वो मथुरा दास माथुर पोलो क्लब का शुभारंभ किया जा रहा है। तो वर्ष 2024 में पांचवा सीजन जो है वो जयपुर में होने वाला है। और अगर पूछे कि पोलो कप की शुरुआत कब हुई थी, तो पोलो कप की शुरुआत हुई थी 2020 में। तो मथुरा दास माथुर पोलो कप की शुरुआत 2020 में, 24 में पांचवा सीजन कहां आयोजित हो रहा है, जयपुर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट, कल पूछा गया था राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू निदेश को एशियाई लेक्रोस प्रतियोगिता में रजत पदक दिलाने वाली उदयपुर की किस खिलाड़ी को पहला आदि खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर था सुनीता मीना। अब आपके लिए क्वेश्चन है किस देश की लेखिका हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा, यानी कि घोषणा हो चुकी है प्रदान किया जाएगा, तो ये किस देश की है ये आपको बताना है। अब आपके लिए जो सूचना मैं बताने वाला था 1,11,000 रुपए के इनाम की, पहली बात तो ये है कि 17 अक्टूबर से मार्केट में आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक रिट की जो है वो बुक मार्केट में मिल जाएगी। रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड दोनों बुक जो है वो आपको मार्केट में मिलने वाली है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है रिट मेंस के लिए, रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड, प्री वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या भरेंगे। 22 अक्टूबर 2024 से ये 22 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें फीस रहेगी मात्र 500 रुपए, टोटल टेस्ट होंगे 85, जिसमें इनाम रहेगा 1,11,000 रुपए तक। ये नगद इनाम है, जो टॉप रैंक लेके आएगा उनको ये इनाम मिलने वाला है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्यादा जानकारी संपर्क करना 86 96 91 21 पर। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बैच मिलेगा आपको 5 नवंबर 2024 से। आपको संकल्प एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको ऑफर भी मिलने वाला है, दशहरे पे मिल जाएगा, नहीं तो दिवाली पे माह ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा
कुल व्याख्याता सेकंड ग्रेड रीड प्री मेंस आरएस एसआई पटवार इन सब के जो है वो बैच प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर हम बात करें रीट के बैच अभी नए जो है वो मंगलवार से शुरू होने वाले हैं। अगर आपके घर परिवार में अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उन्हें बता देना और मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस YouTube चैनल पे मिलते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मिनट में, तो रोजाना इस क्लास को जरूर लगाया करें, सुना जरूर करें, ठीक है ना। सुनने से आपको याद हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं है। और जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप स्टेटस लगा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, इतना तो काम कर ही सकते हो। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।